यूपी के बहराइच में यदि आपको ऑटो चलाते कोई महिला दिखे तो चौंकिएगा मत। दरअसल बहराइच प्रशासन ने तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें ऑटो मुहैया कराया है। दूसरे ऑटो ड्राइवर से अलग इनके पास अपनी एक पिंक रंग की ड्रेस होगी। यह ड्रेस पहनकर महिलाएं ऑटो का संचालन करेंगी। इस अभिनव पहल की शुरुआत बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने की है। आपको बता दें कि नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित तलाकशुदा निराश्रित 5 महिलाओं को जिला प्रशासन की ओर से पिंक ऑटो की चाबी भेंट की गई है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 5 महिलाओं को ऑटो देने से पहले उन्हें प्रशिक्षित कर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया गया, फिर बैंक से सभी को पिंक ऑटो की खरीद हेतु ऋण दिलाया गया। निसंदेह सरकार और प्रशासन के इन प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सामाजिक क्षेत्र में हो रहे इस बदलाव से उन लाखों निराश्रित लोगों में एक उम्मीद जगी है जो सहयोग के बिना वर्षों से उपेक्षा के शिकार थे। आज आवश्यकता है ऐसे लोगों को संरक्षित और पोषित करने की जो किसी कारणवश विकास की मुख्य धारा में कहीं पीछे छूट गए और अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश हो गए।